दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। थाना क्षेत्र के ग्राम सनस्या कुछ व्यक्तियों के बीच आपसी विवाद हुआ को लेकर, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध पुलिस थाना टिमरनी पर FIR दर्ज करवाई थी और उस मामले की जांच पुलिस थाना टिमरनी में करी, परंतु कुछ समय से कुछ लोग इस मामले में निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने के लिए और धराए बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास एवं धरना प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन पर अनुचित रूप से दबाव बना रहे हैं। इन लोगों के द्वारा गलत बयानबाजी और सोशल मीडिया पर गलत वक्तव्य कहे जा रहे हैं, जिस कारण दो समाज के मध्य शत्रुता का भाव उत्पन्न हो रहा है। यदि पुलिस प्रशासन द्वारा किन्हीं लोगों के दबाव व प्रभाव में आकर निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, धराएं बढ़ाई जाती है, तो जाट समाज एवं सर्व समाज के द्वारा भी उग्र धरना प्रदर्शन कर सड़कों पर उतरेगी, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। वहीं दूसरी ओर समाज के लोगों द्वारा SP साहब से मुलाकात करने के बाद और उनको आश्वासन मिलने के बाद धरना स्थगित कर दिया। पिछले 31 दिसंबर को नए साल पर ग्राम सन्नास्या में दो समाज के बच्चों के बीच कुछ झंझट हुई थी, उसको लेकर दोनों के खिलाफ FIR दर्ज दोनों पार्टियों ने की थी। उस पर पुलिस ने जो भी उचित कार्रवाई थी वो की। अब कुछ लोग इन दोनों पार्टियों के एक समाज के लोगों के ऊपर विशेष धाराएं बढ़ाने और नए नाम जोड़ने के लिए कुछ लोग दबाव बना रहे हैं और समाज विशेष के लोग इसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं आपसी प्रेम भाईचारे में। तो इसके खिलाफ हम आज SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं और पुलिस प्रशासन अगर दबाव में प्रेशर में आकर किसी तरह की धाराएं बढ़ाता है या कोई नए मुलजिम के नाम जोड़ता है तो हम लोग भी उग्र आंदोलन करेंगे। जिले में सर दो समाजों के बीच की जो लड़ाई है सर, वो लगातार जारी है सर, क्या इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है सर? हाँ, इसमें टिमरनी में अभी कुछ लोग धरना दे रहे हैं, आज यहाँ कुछ लोग ज्ञापन देने आए थे। दो आपस में दो जातियों के बीच में झगड़ा हुआ था, इसमें विवेचना चल रही है और चूंकि ये विवादित इन्होंने बना दिया है, इसलिए हमने एक निष्पक्ष रूप से जांच कराने के लिए कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी दोनों प्रकरणों की पृथक से जांच करेगी। सर वो लोग मानने को तैयार नहीं है तो फिर? नहीं, अब पृथक से जांच करेंगे, जो सच्चाई होगी जो मेडिकल में आएगा या जो भी झगड़ा हुआ है डॉक्टर जो लिखेंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर टिमरनी में जारी है धरना, अभी उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, धरना जारी है, उनको कल गए थे, बातचीत हुई है, समझाया है। अब इसके लिए बात हुई थी कि अलग से कोई जांच अधिकारी नियुक्त किया जाए, तो एक DSP के नेतृत्व में हम जो है उसमें एक कमेटी बना दी है उसकी जांच के लिए, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप